पंजाब के बीडीयू में कश्मीरी छात्राओं को पीटने के मामला काफी बड़ा हो गया है और इसके साथ ही इस पूरे मामले पर बवाल खड़ा हो गया है। अब इस मामले को लेकर पंजाब के शाही इमाम बच्चियों के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी बात रखी। पहले ये वीडियो देखिए। यूनिवर्सिटी ने जो फ्रॉड किया है वो टेक्निकली बहुत ही खतरनाक काम है, मतलब बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। वो इस मामले से भी समझिए ज्यादा खराब है, ताकि इसमें तो बच्चे के फ्यूचर का ही मसला फंस गया है सारे के साथ। तो मैं समझता हूँ कि जब तक यूनिवर्सिटी का फ्रॉड को इंकशाफ नहीं किया जाएगा पूरा खोल के, तो तब तक मसला, तो उसके लिए भी हम लोग अपने में से दो तीन बच्चों को जिम्मेदार बनाए। तो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस बात को प्रूफ करेंगे कि ये हर साल इस तरह फ्रॉड कर रहे हैं, नहीं समझे, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो इकट्ठे कर लें, तो कल या परसों वो टीम यहाँ पर आ जाएगी जिसने आप लोगों के बयान लेने, ठीक है। तो इस मामले में आप लोग एक एप्लीकेशन चीफ मिनिस्टर पंजाब के नाम जो है वो अपने डिप्टी कमिश्नर को कल दे दीजिए, जिस पे हाई लेवल की इंक्वायरी जो है वो शुरू हो जाए, ठीक है। ताकि जब तक, ये तो बिल्कुल अच्छा है कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको इस बात का हक है कि अगर उनको कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन प्रोटेस्ट के साथ साथ अब ये भी जरूरी है कि डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू उसको हम अदालती कार्रवाई में तब्दील करें, ठीक है नहीं, ताकि जो लोग हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कम से कम उनको सजा तो मिले। और फिर जो हमारी डिग्रियों का मसला फंसा हुआ है तो गवर्नमेंट से बिल्कुल अप्रोच करनी पड़ेगी कि भाई ये जो 60 बच्चे हैं या 70 बच्चे हैं, जितनी भी बेटियां हैं या बेटे हैं, कि भाई इनका तो कोई कसूर नहीं है, ये तो लगातार अपनी क्लासेस लगा रहे थे। तो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से, तो वो एजुकेशन जो आपके हेल्थ के मिनिस्टर हैं उन्हीं के साथ बैठ के, तो मैं समझता हूँ ये प्रोसेस जो है कम से कम 10 या 15 दिन चले इंशाल्लाह। कल आपने देखा था जिस तरह से कश्मीरी छात्राओं के साथ मर्द पुलिसकर्मियों ने मारपीट की, उनके बुरके तक फाड़ डाले, हंगामा जबरदस्त देखने में आया। इसके साथ ही आरोप लगाया गया लड़कियों के जरिए कि न सिर्फ हमारा बुरका तो फाड़ा गया बल्कि मेल पुलिसकर्मियों ने उनकी डंडों से पिटाई की। कई वीडियो हैं जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर अब पूरी तरह से देश में विरोध हो रहा है। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवत मान यहां पर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद पंजाब पुलिस जिस तरह से मुस्लिम छात्राओं को निशाना बना रही है, कश्मीरी छात्रों को निशाना बना रही है, कई दिन से धरने पर बैठे थे, इंसाफ मिलना चाहिए था, यूनिवर्सिटी प्रशासन को उनकी सुननी चाहिए थी, यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं सुन रहा था, तो सरकार को सुननी चाहिए थी, इस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उनकी मांग पर ध्यान देने के बजाय उनको मिली लाठियां। देखिए क्या कहना है इस पूरे मामले पर कई स्टूडेंट्स का। जी हम देशभगत यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हम बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। हमें डिग्री का इश्यू था तो हम बस अपने डिग्री के लिए डिमांड कर रहे थे कि हमें जो डिग्री मिले वो आईएमसी अप्रूव्ड हो। कुछ दिनों से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज हमें जो मेल पुलिस है उन्होंने हम पे लाठीचार्ज किया, हमें मारा। आप देख सकते हैं ये मुझे एसपी ने यहाँ पे मारा है, मुझे पैर में भी मुझे लगी है, इसको डंडा मारा है, इसकी सिर पे डंडा मारा है डीएसपी मैम ने खुद। और डीएसपी मैम ने बोला उनको कि इनके कपड़े फाड़ दो। डीएसपी मैम एक लड़की होते हुए उन्होंने बोला है कि इनके कपड़े फाड़ दो। हमारे हिजाब से, हाँ, इनके हिजाब के साथ खेला गया यहाँ पे और इनके साथ बहुत बहुत बुरा सलूक किया गया इनके साथ। और हमारे पर लाठी से लाठी चार्ज भी जो मारने वाली पुलिस थी वो पंजाब पंजाब की मेल थी, मेल पुलिस थी, मेल चीज हमारी फैकल्टी थी, फैकल्टी भी मेल थी, उन लोगों ने भी हमें बहुत मारा, उन्होंने बहुत लोग मारा। क्लासमेट है उनका नाम साकिर है, उनके सिर पे किसी ने डंडा मारा है, वो भी पुलिस ने डंडा मारा है, तो अभी उनको बहुत सारे स्टिचेस आए, 15 स्टिचेस के आसपास अभी वो एडमिट हुए हैं। सीरियस है? हाँ सीरियसली अगर बोला जाए तो सीरियस, क्योंकि सिर पे उनको चोट आई है, तो उनका बहुत ज्यादा खून बह रहा था। वो वीडियो हमारे पास है, वो हम आपको दिखा सकते हैं। कल हम मिलने गए थे हेल्थ मिनिस्टर से, हम कल मिलने गए थे, लेकिन आज यहाँ पे हमारे साथ यही हुआ। तो
आप पंजाब की आवाम से क्या कहना चाहेंगे? हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, जो पंजाब है पंजाब को भी दबाया गया है और कश्मीर को भी दबाया गया है। पंजाब और कश्मीर का आपस में रिश्ता है, दोनों को दबाया गया है। इस वक्त हम पंजाब में है तो हम पंजाब के लोगों से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारा सपोर्ट करो, हमारी मदद करो। इन लोगों पे कोई भरोसा नहीं हमारे साथ क्या करे, जिन्होंने हमारे कपड़े फाड़े वो हमारे साथ क्या कर सकते हैं, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। सर जो देशभर के वाइस चांसलर टी के मैम है सर, उसने एक लड़की का गला दबाया और मुझे यहाँ पे डंडा मारा सर। तो आपने देखा आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरह चलती हुई नजर आ रही है, और मुसलमानों के मामले में अगर मजालिम की बात होती है तो कोई किसी से कम नहीं है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। आपस में अब ऐसा लग रहा है कि इन लोगों में होड़ लगी हुई है कि कौन बड़ा हिंदुत्व का अलमबरदार है। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो के ऊपर देखें तो फेसबुक लाइक करना, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।